this year you had a lot of releases as compared to the previous years, because you've been on Amazon with Panchayat, you've been there's been a film release for you in February, Shubh Mangal Zyada Savdhan with Ayushman. Then of course now you had Chaman Bahar on Netflix. So a lot of diverse content as well, you know, very different kind of stories. But mujhe puchna tha aapse ki, how did you decide to play a gay character? That's not a character which everybody would have agreed to in Shubh Mangal Zyada Savdhan. You know, Ayushman to malum hai, he likes to do very different kind of films. But aapne kaise accept kiya wo film? Didn't you think the role would, I mean, society and, you know, people are very hesitant, right? हाँ, but I don't know what going, मतलब लोगों के दिमाग में क्या चलता है and they reject any character. Of course, हो सकता है कि बहुत सारे हो सकता है कि सबके अपने अपने क्रिएटिव इश्यूज हों विद द थिंग, बट हाँ जैसे ही मैंने कैरेक्टर सुना, कैरेक्टर को लेके कभी कुछ ऐसा डाउट नहीं आया कि ये गे कैरेक्टर है तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा कभी कभी भी दिमाग में नहीं था. ऑफ कोर्स मुझे स्क्रिप्ट सुननी थी कि स्क्रिप्ट में कैसे किस तरह से चीजें आ रही हैं और किस तरह से कैरेक्टर स्टोरी में है, और जो मुझे चाहिए था फ्रॉम द स्टोरी फ्रॉम द कैरेक्टर वो था स्क्रिप्ट में, मतलब जो हितेश ने इतनी कमाल की और मतलब मजे मजे में जो तरह तरह की बातें बोली हैं फिल्म में वो बड़ी इंटरेस्टिंगली आ रही थी स्क्रिप्ट में, और वो सुनते ही मैं तो मतलब स्क्रिप्ट के लिए तो अग्री कर ही गया, बट कैरेक्टर को सुनते वक्त कभी भी ऐसा दिमाग में था नहीं मेरे कि गे कैरेक्टर है या मतलब जो भी है, सो वो कभी भी नहीं था. बस मुझे ये था कि गे को किस तरह से हम लोग देखेंगे इन द स्टोरी, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड था, उसके लिए मैं थोड़ा सा नर्वस था कि स्क्रिप्ट पहले सुननी है मुझे. सो जैसे ही स्क्रिप्ट का पहला नरेशन हुआ मुझे कोई भी इशू नहीं था, मुझे लगा कि हाँ दिस इज द काइंड ऑफ रोल आई वांट टू प्ले. सो बहुत ही स्मूथ था मेरे लिए वो कॉल लेना. एंड आयुष्मान के साथ काम करना, हाउ इज दैट? बिकॉज़ ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, बट ही इज फन, ही सीम्स टू कम अक्रॉस एज वेरी फन, यू नो. हां, बेसिकली ही हैज लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, सो ही जो अपने एक्सपीरियंस है वो उनको बहुत अच्छे से यूज करते हैं वो अपने कैरेक्टर्स चूज करने में, अपनी स्टोरीज चूज करने में. सो बहुत अच्छी सेंसिबिलिटी डेवलप कर ली उन्होंने, सो वो कमाल की बात है उनके बारे में. एंड हाँ, मतलब जितनी बातें होती हैं, बिलीव्स इन लाइक एंसेंबल कास्ट और जो फन होता है, जो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, सो वो बड़ा अच्छा है उनके अंदर. एंड या बहुत ही फन और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा शुभ मंगल में उनके साथ एक्टिंग करना, एंड इन सीन्स जो भी एनर्जीज हम लोग एक दूसरे को देते थे, सो इट वाज रियली नाइस. एंड हाँ, मतलब विद टाइम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, सो काफी अच्छा, मतलब. और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मेरा कुछ काम देखा हुआ था पहले, सो ही पोस्ट मी फॉर द रोल कि अरे जीतू को बुलाओ. देन ही वाज द फर्स्ट गाय हु पोस्ट एवरीवन कि अरे व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग टू जीतू. देन हाँ, आई मेट हितेश एंड हितेश decided that Jitu will be the part of the movie, and then Anand sir called. So dheere dheere ye cheez hui, and I think Ayushman ne push kiya, so bahut hi alag experience hai unke sath, bahut hi acha experience hai Ayushman. Okay, Panchayat of course released on Amazon, got rave reviews, and it was very rural, set in a rural kind of milieu, but very interesting. It's not a fast-paced kind of series, but you know, it has a great sense of humor, you know, with a touch of reality, ke in villages kya hota hai, you know, all those kind of things. But why did you think uske script mein, you know, what was it in that script ke aapko bahut acha laga? I think freshness sabse important part tha us script ka, क्योंकि जिस पेस पे हम लोग चल रहे थे, जिस पेस की फिल्म्स और कंटेंट हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, उससे काफी अलग था. ऐसा कंटेंट बहुत पहले आया करता था, लाइक आज से 20-30 साल पहले व्हेन दूरदर्शन स्टार्टेड, तो उस तरह का कंटेंट आता था जो बहुत ही रूटेड होता था, बहुत ही स्टोरी ड्रिवन, बहुत ही इमोशन ड्रिवन चीज होती थी, और कुछ भी ओवर नहीं होता था, कुछ भी ओवर द टॉप नहीं हुआ करता था, तो उस तरह का कंटेंट था. और कुछ भी ओवर द टॉप ना होना इन एवरी सीन विद एवरी कैरेक्टर जो था, वो स्क्रिप्ट का बड़ी कमाल की चीज है. उसने काफी वो काफी चैलेंजेस लेके आया फॉर मी कि अरे इसमें तो, क्योंकि एवरी मतलब हर किसी को चाहिए होता है, इवन डायरेक्टर, इवन राइटर, इवन एक्टर, हर किसी को चाहिए होता है कि स्क्रिप्ट में अच्छा मीट हो, अच्छा जूस हो, ताकि वो कुछ कर पाए.
बट यहाँ पे ऐसा था कि हाँ सिर्फ बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही उन चीजों का ध्यान रखते हुए तुम एक्ट करने जाओगे एंड सीन खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ, कि पता नहीं अच्छा गया खराब गया, यू कांट रियली जज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो वो एक चैलेंज था और आई थिंक वो सब चैलेंजेस के लिए सारे जो एक्टर्स हैं वो एक्साइटेड थे थ्रू आउट, और वो सभी वो बहुत ही हैप्पी एनर्जीज से थे कि मतलब लाइक रघु सर का जो फीडबैक था स्क्रिप्ट पे वो काफी काफी वार्म था कि हाँ बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है. और तो सारे सारा क्योंकि मैं काफी टाइम से इन्वॉल्व था स्क्रिप्ट में, मतलब मैं नरेशन से सुन रहा था शुरू से ही और फीडबैक्स में था, बट रघुवीर सर बहुत मतलब जब रीडिंग्स के टाइम पे आए, रिहर्सल्स के टाइम पे आए, तो उनका जो फीडबैक था वो काफी कन्विक्शन लेके आए कि हाँ ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, और तो सब में अचानक कॉन्फिडेंस आ गया. एंड पूरी जो कास्ट है, नीना मैम, रघु सर, चंदन और फैजल सर, तो बहुत ही अच्छा अच्छा बॉन्डिंग रहा और बहुत अच्छे से गाँव में हम लोग शूट करके आए, बहुत मजेदार रहा. ओके अभी तो चमन बहार केम आउट नेटफ्लिक्स में, व्हाट हैज बीन द रिएक्शन टू दैट? एंड उस फिल्म भी अलग है, यू नो, यंग मैन रूरल एरिया अगेन, यू नो, यू सीम टू बी वेरी कंफर्टेबल इन दैट काइंड ऑफ अ मिलियू, नो, वेयर व्हिच इज अवे फ्रॉम द स्मॉल टाउन. सम स्मॉल टाउन थ्रेड इज ऑलवेज देयर, बट ऐसा नहीं है कि बेसिकली पंचायत में आई वाज अ अर्बन गाय हु केम, हु वेंट टू द स्मॉल टाउन एंड शुभ मंगल में वो एक स्मॉल टाउन का, स्मॉल टाउन नहीं कह सकते, बनारस का लड़का है जो दिल्ली में है काफी सालों से, जॉब वॉब कर रहे हैं, कॉलेज किया है, फिर जॉब किया, देन ही इज बैक टू द बनारस. सो उस तरह की चीजें हैं. नाउ इट्स लाइक प्रॉपर लाइक स्मॉल टाउन बॉय एंड लाइक नॉट इवन स्मॉल टाउन, लाइक इट्स अ इट माइट बी लाइक विलेज बॉय जिसने स्मॉल टाउन में अपनी एक दुकान लगाई है. Right. और पान की काफी अलग कैरेक्टर है चमन बहार, एंड लाइक लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग फिल्म को और दिल से एंजॉय कर रहे हैं. सो मतलब आई एम रियली ग्लैड कि इतना अच्छा रिस्पांस है फिल्म का. अलग तरह की फिल्में हैं, मतलब जितनी भी मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ बहुत अलग तरह की फिल्में हैं. जब भी तुम करने जाते हो तो एक डाउट आता है कि हमेशा एक डाउट रहता है कि ये पता नहीं कैसे ऑडियंस में जाएगी और कैसे ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी और कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इन चीजों पे, हमेशा हर शो के लिए, क्योंकि अलग तरह का होता है ना. तो कुछ तो होते हैं शो जो बहुत ट्रेंडी होते हैं कि हाँ मतलब ये ट्रेंड चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तुम इसका पार्ट रहोगे तो हाँ इट विल बी लाइक, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, बट मोस्टली लोगों तक ये पहुंच जाएगी. बट जिस तरह की स्टोरीज मैंने की है उसमें पहला डाउट ये रहता है कि ये लोगों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, मतलब कौन देखेगा. लाइक आई हैव डन कोटा फैक्ट्री लास्ट ईयर, सो इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट शो, सो आई वाज वरीड कि पता नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट शो है 2019 में, हु विल वॉच इट, कैसे किस तरह की ऑडियंस के पास पहुंचेगा. बट द रिस्पॉन्स इट गॉट इज रियली अमेजिंग, मतलब इट्स मोर देन अमेजिंग. एंड सो वही हो रहा है मतलब चमन बहार के साथ भी, काफी डाउट्स है, नाउ पीपल आर लविंग इट, सो आई एम आल्सो लविंग द रिस्पॉन्स एंड हैप्पी. You know, you said कि आयुष्मान has very good sensibility when it comes to choosing scripts. आप कैसे scripts choose करते हैं? Mostly मैं भी story wise choose करता हूँ कि अगर story कुछ एक अलग world दिखा रही है, मुझे writer जब narrate करता है तो कुछ मुझे एक अलग world दिख रहा है कि हाँ ये चीजें अलग हैं या ये चीजें अलग हैं, तो वो काफी मुझे excite करती हैं. But I can't say अभी कि मेरे को बहुत ज़्यादा sense develop हो गया है कि क्या चीज वर्क करेगी क्या चीज नहीं वर्क करेगी, इतना सेंस अभी डेवलप नहीं हुआ. वो मुझे लगता है कि शायद थोड़े एक्सपीरियंस के बाद शायद डेवलप हो, और पता नहीं हो या ना हो. सो वो बहुत ही अलग चीज होती है एक स्क्रिप्ट की सेंसिबिलिटी, जो मैं व्हाट आई बिलीव कि वो नहीं है मुझमें. बट मोस्टली मैं नरेशन में देखता हूँ कि हाँ अगर नरेशन में तुम्हें मजा आ रहा है और तुम्हें एक अलग चीजें दिख रही है स्टोरी वाइज, तो मैं चले जाता हूँ. फिर मैं कैरेक्टर को उतना नहीं देखता, बाद में मैं कैरेक्टर पे रिहर्सल्स एंड रीडिंग्स के वक्त थोड़ा देखता हूँ कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे इसको दिखाना चाहिए, क्या डायरेक्टर के दिमाग में है, डायरेक्टर कैसे सोच रहा है हर सीन को, तो वो सारी चीज वो काम बाद में होता है. बट मेनली हाँ कि वन लाइनर थॉट क्या है एंड वो कैसे क्रिएट किया गया है ऑन स्क्रिप्ट, तो वो सुनने में कैसा लग रहा है, और मतलब यू आर ऑलवेज सिटिंग विद टू थ्री पीपल, तो उनको कितना मजा आ रहा है उस चीज में, तो वो सारी चीजें वो वाइब से फीलिंग आ जाती है मुझे कि हाँ ये कर लेते हैं. Okay. What does your family think? Ke aap, you know, IIT se padhe aur ab actor ban gaye. Of course, now you're successful. But what do they think about that? I think
फैमिली काफी शॉकिंग था उनके लिए कि मेरा इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टिंग में जाना. तो काफी डरे हुए थे वो लोग कि पता नहीं क्या होगा. एक तो उनको भी इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता है. एंड जनरली मेरे पापा का जो इन्वॉल्वमेंट होता है किसी के भी करियर में वो काफी हेल्प करने का ट्राई करते हैं. सो नाउ उनको कुछ भी आइडिया नहीं कि हाउ वुड ही हेल्प मी, क्योंकि वो बहुत सारी हेल्प करते हैं मेरे कजन्स की या जो भी है आस पास लोग. तो वो सबके करियर में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं. एंड सो उनको यहाँ पे डर था कि उनको कुछ आइडिया नहीं है ना उनका कुछ कॉन्टेक्ट है किसी से या कैसे काम होता है. सो वो सारी चीजों को लेकर डरे हुए थे. बट बहुत ही जल्दी वो चीजें सॉल्व होने लगी. मैं लकी रहा क्योंकि यूट्यूब आ गया था और मेरा काम जो है वो जल्दी वो लोग देख पा रहे थे कि हाँ काम आ रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है. एंड बहुत ही मतलब जो यूट्यूब का जो ट्रेंड आया था शुरू के 2-3 साल में वो बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस था. मतलब वो एक टोटली डिफरेंट स्टार्डम था. मतलब वो स्टार्डम जो अभी मुझे रिस्पांस मिलता है उससे भी अलग रिस्पांस था. वो जो 2014-15 में जो मिल रहा था ना वो अलग तरह की रेस थी फ्रॉम ऑडियंस और अलग तरह की वॉर्म्थ थी उनमें. तो वो सारी चीजें घर वालों को दिखी तो वो अच्छा फील करने लग गए थे पिछले मतलब आफ्टर 3 इयर्स. सो नाउ दे आर सपोर्टिंग इन एनी विच वे जो भी वो कर पा रहे हैं. They are very supportive. Right. You made your career on social media. You know, you started with, you've done a lot of shows for YouTube. But was it difficult for you to get a break in the film industry? Yeah, because basically I thought ki main aunga aur ek डेढ़ साल में मुझे कोई film sign कर लूँगा और मैं शायद मन्नत जैसा कोई बंगलो ले लूँगा बॉम्बे में. तो इस तरह के ड्रीम्स थे. बट हाँ मतलब वो बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि नो इन चीजों में टाइम लगेगा. और मतलब एक तो तुम ट्रेंड एक्टर नहीं हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस तुम्हें गेन करना है. सो वो सारी चीजें बहुत जल्दी रियलाइज हो गई थी. लाइक शुरू के 3-4 महीने में वो सारी चीजें पता चल गई थी कि इतना आसान नहीं है और बहुत चैलेंजिंग चीजें आएंगी. बहुत बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी है इस करियर में, ज्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी है फॉर एज एन एक्टर. ठीक है, तो तुम्हें अलग अलग लेवल पे जज किया जाएगा, अलग अलग चीजों पे तुम्हें देखा जाएगा. सो और क्राफ्ट के अलावा तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें करनी है जो भी क्राफ्ट का पार्ट है वो भी तुम्हें सीखना है. सो वो क्लियर हो गया था. जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है, जिस तरह से मैं किसी भी काम को अप्रोच करता हूँ, मुझे ये विश्वास आ गया था कि इसमें टाइम लगने वाला है, मैं धीरे धीरे ही कर पाऊंगा. सो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर था. एंड थैंकफुली डिजिटल था और हम जिस तरह की कहानियां कहना चाह रहे थे वो हम कहते रहे और थ्रू आउट लोग उसको एंजॉय करते रहे, ऑडियंस बनती रही. एंड नाउ ऑडियंस आर एंजॉयिंग द फिल्म्स जो जिस तरह की मैं फिल्में कर रहा हूँ. सो उसी का बेनिफिट है वो पिछले 7-8 साल का. एंड आई एम वेरी इन अ गुड स्पेस राइट नाउ. Right. You know, everybody talks about nepotism all the time in Bollywood. It keeps coming up every 6 months. You know, ke godfather hona chahiye. Yeah, so you have to be from a family which is, you know, a filmy family. It's easier to get breaks. Being an outsider, it's difficult. You are an outsider. And you've come to Bombay to make your dreams come true, right? And you said, like, you realize it's not that easy to get a break, right? But do you think, like, in your interactions that you've had over the years, that there is favoritism, you know? And there are, obviously, if you're from a filmy background and so on, it's much easier. Things are given to you on a platter. Have you found that to be true? मुझे लगता है कि एक तो ये हर इंडस्ट्री का पार्ट है. और राइट नाउ बहुत ज्यादा मैं मेरे पास इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि बहुत ही कंफर्ट जोन वाली बात हो जाती है. फेवरेटिज्म जो है वो बहुत ही कंफर्ट जोन वाली चीज है. और वो उसको कैसे सॉल्व करोगे कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी और जब तुम कोई भी राइटर या डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखता है तो उसके आसपास कुछ लोग उसके दोस्त बनते हैं और उनमें से अगर कोई एक्टर है सो दो ऑप्शन है, या तो मैं कोई एक नया एक्टर ढूंढूं और कुछ एक है कि जो जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ मैं कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकता हूँ ऑन सेट, तो उसके साथ मैं अपना अपना फिल्म बनाऊँ या अपनी अपनी चीज क्रिएट करूँ. सो ये दो ऑप्शन आते हैं उसके सामने. सो मुझे लगता है कि बहुत अगर तो बहुत कन्वीनियंस देखते हैं, बहुत कंफर्ट जोन देखते हैं लोग और फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म के साथ चले जाते हैं. और मुझे लगता है कि ये सब है बट एक पार्ट मुझे लगता है कि लोग एंड मीडिया एंड ऑडियंसेस भी हैं. वी ऑल वांट मतलब इवन मी
मतलब मैं भी सोचता हूँ कि अच्छा अरे जब आई वॉज यंग कि अरे अमिताभ सर का बच्चा जो है लड़के हैं वो क्या करेंगे, वो अच्छा उनकी फिल्म आ रही है, अच्छा जिस तरह से सनी देओल की फिल्म आती थी वैसे ही अभी अभिषेक बच्चन की भी फिल्म आएगी. सो वो जो एक्साइटमेंट है वो हम सब में सबके अंदर रहता है एंड वी ऑलवेज ऑडियंसेस एंड लाइक मीडिया मेक्स देम स्टार. उनमें नेपोटिज्म का हम बहुत ज्यादा ब्लेम कर देते हैं. मुझे लगता है कि मतलब आप मतलब इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी एज एन ऑडियंस एज मीडिया की हम लोग जो न्यू कमर्स हैं जो हम लोग नए इंडस्ट्री में आते हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनकी फिल्में देखने जाइए थिएटर्स में, वो भी फिल्में बना रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप एक्साइटेड हो सकते हैं. तो उनके लिए आप एक्साइटमेंट दिखाएंगे तो अपने आप ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी. यही एक तरीका मुझे नजर आता है सॉल्व करने का. अदरवाइज उनकी कोई गलती नहीं है. मतलब दे आर मतलब बेसिकली स्टार सन क्या है, अब स्टार ने भी तो काफी मेहनत की है, वो भी तो कहीं बाहर से आके उसने अपने कदम जमाए हैं. अभी अभी उसका बेटा या उसकी बेटी एक्टिंग करना चाहते हैं या फिर राइटिंग करना चाहते हैं, डायरेक्शन करना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत हेल्प तो मिलेगी, इन जनरल मिलेंगी, क्योंकि वो इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लोग उनको जानते हैं, तो काम मिलना, आपके कॉन्टेक्ट बनना, आप बात कर पाना, अपनी स्क्रिप्ट सुना पाना, अपना एक्टिंग स्किल्स, अपनी डिजायर बता पाना ज्यादा ईजी होगा उनके लिए. जो बाहर से आता है वो किसी भी इंडस्ट्री में उसको बहुत सारी चैलेंजेस और बहुत सारी चीजों का मतलब को फेस करना पड़ता है, विच इज ट्रू इन एवरी इंडस्ट्री. और मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, मैं अपनी ऑडियंस का जो 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 मुझे प्यार करती है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी फिल्में देखें थिएटर्स में आके और पैसे देके मेरी फिल्में देखें, एंड मैं मीडिया को बोलना चाहूंगा कि वो भी मुझे भी प्रमोट करें जैसे वो बाकी स्टार किड को करते हैं. सो ये चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. Right. So, Abhi, what are you looking forward to now? What are you working on? What is coming out next for the audience? I think अभी तो जो season 2s हैं जो बहुत सारे मैंने किए हैं इस साल, चीज के कोटा फैक्ट्री पंचायत, सो उनके season 2 को मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे कब लिखे जाते हैं और कैसे होते हैं. बाकी अभी मतलब काफी शुभ मंगल के बाद काफी सारे लोगों ने मुझे बुलाया just to meet, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने, और जस्ट उम्मीद किया क्या चल रहा है क्या है, मिलते हैं कभी कुछ होगा तो करेंगे, बट लॉकडाउन ही चालू हो गया. सो अभी सब कुछ सॉर्ट आउट ही कर रहे हैं. सो होपफुली ये लॉकडाउन वाली चीज भी जल्दी सेटल हो, लोग काम करना शुरू करें अपना, और ये कोरोना वायरस जाए, वो कोरोना ठीक है, और लोग अपने अपने कामों पर जाए, चीजें बेटर हो पहले से. व्हाट अबाउट पंचायत सीजन 2? हाँ अभी अभी ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है, बट हाँ आई थिंक जो राइटर हैं उनको उनके दिमाग में स्टोरी प्लान्ड है, और होपफुली वो भाई सब लॉकडाउन के अभी लॉकडाउन की चीजें सॉर्ट कर रहे हैं कि क्या कैसे करना है. सो उसी के बाद जैसे ही ऑफिशियली कंफर्म हो गया आई विल गेट टू नो. एंड आर यू, माय लास्ट क्वेश्चन, आर यू राइटिंग एनीथिंग योरसेल्फ? कुछ लिख रहे हैं आप, कुछ स्क्रिप्ट या कुछ सीरीज? नो, राइटिंग में बहुत बहुत इंटरेस्ट नहीं आ पाता मेरा, बहुत हाँ स्टोरीज कॉन्सेप्ट्स ये चलते रहते हैं दिमाग में कि ये चीजें हो सकती हैं. सो आई टेक हेल्प जो मेरे राइटर फ्रेंड्स हैं उनको मैं बाउंस करता हूँ वो आइडियाज कि इस पे कुछ हो सकता है क्या, या तो वो सारी चीजें होती हैं. कुछ अच्छा आइडिया आया या फिर किसी फिल्म को देख के मुझे लगा कि हाँ इस तरह की एक और फिल्म अलग जोन में क्रिएट की जा सकती है, तो उस तरह के जो बाकी आइडियाज आते हैं मेरे दिमाग में तो वो मैं शेयर करता हूँ, बट मैं कोई कुछ लिखता नहीं. पोइट्री में लिखता हूँ समटाइम्स, पोइट्री आप लिखते हैं? So what is the first thing you're looking forward to once the shutdown is over and things come back to normal? I want to meet all my friends first of all. I want to chill with them. So and बहुत सारी चीजें हम for granted लेते हैं. I मतलब I will try कि मैं उन सारी चीजों को for granted डालूं. हमारा traveling करना, हमारा so बहुत सारी चीजें करनी है जो lockdown में बहुत सारी चीजों का लगाना कि अरे हाँ हम traveling को कितना for granted लेते हैं, हम दोस्तों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोगों को फैमिली को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं. तो सबसे पहले तो मैं ये सारी चीजों पे फोकस करूंगा. एंड हाँ उसके बाद लाइक मैं सेट्स पे जाना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ. सो जल्द से जल्द आई एम होपिंग कि ये अपॉर्चुनिटी मिले. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच जीतू फॉर चैटिंग विद मी एंड विशिंग यू द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.